फीफा वर्ल्ड कप में हाई वोल्टेज मुकाबले शुरू हो चुके हैं। यहाँ अब जो भी हारेगा घर का रास्ता पकड़ेगा, फीफा में उसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। ऐसा ही कुछ फुटबॉल जगत की दो बड़ी टीमों के साथ हुआ, जिनका प्रतिनिधित्व फुटबॉल की दुनिया के दो महान खिलाड़ी करते हैं, जिनको लियोनेल मेस्सी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया मेस्सी की अर्जेंटीना और रोनाल्डो की पुर्तगाल के बीच क्वार्टर फाइनल का मुकाबला देखने के लिए बेकरार बैठी थी, लेकिन प्री क्वार्टर फाइनल में ही फ्रांस ने अर्जेंटीना और उरुग्वे ने पुर्तगाल का सफर रोक दिया। दोनों दिग्गजों की टीमें एक ही दिन फीफा की रेस से बाहर हो गई। आपको बता दें कि फ्रांस ने अर्जेंटीना को हाई स्कोरिंग मुकाबले में 4-3, जबकि उरुग्वे ने पुर्तगाल को 2-1 से मात दी। दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीमों के लिए कोई गोल नहीं कर सके। यह फीफा वर्ल्ड कप इन दोनों के लिए ही आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा है, क्योंकि अगले फीफा वर्ल्ड कप तक मेसी की उम्र 35 तो रोनाल्डो की उम्र 37 हो जाएगी। ऐसे में अगले वर्ल्ड कप तक इन दोनों का फिट रह पाना मुश्किल होगा। आपको बता दें कि अगला वर्ल्ड कप 2022 में खेला जाएगा।